इंदौर के पास सेना के टैनी अफसरों और उनकी महिला मित्रों के साथ हुई लूट मारपीट और रेप की घटना देश भर में आज चर्चा का विषय बन गई है। विपक्षी दलों ने इस घटना पर प्रदेश की मोहन यादव सरकार को घेरा है। उधर सरकार का दावा है कि आरोपियों की पहचान हो गई है और उनमें से कुछ को हिरासत में भी ले लिया गया है, इसलिए इस घटना पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखकर इस वारदात को तो हवा दे ही दी है। देखिए क्या है ये पूरा मामला। क्या प्रदेश में सेना के जवान सुरक्षित नहीं बचे हैं? ये सवाल आज इसलिए जरूरी है क्योंकि इंदौर में सेना के जवान और उनकी महिला मित्रों के साथ लूट हुई, मारपीट हुई और फिर गैंग रेप हुआ। ये घटना मंगलवार की है। पर्यटन स्थल जाम गेट महू के पास करीब 2:30 बजे आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। रैनी आर्मी ऑफिसर्स और उनकी गर्लफ्रेंड्स के साथ लूटपाट सी स्पॉट पर हुई थी। विस्तार न्यूज पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर। यह वह जगह है जहां पर रात 2 बजे दोनों ट्रेनी आर्मी ऑफिसर अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ पहुंचे थे। रात को यहां बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, लेकिन सड़क से गुजर रहे बदमाशों को उनकी कार की लाइट नज़र आई और वे लूट के उद्देश्य से इस जगह पर पहुंच गए। इस जगह पर पहुंचने के बाद आर्मी ऑफिसर्स के साथ मारपीट की गई, उनकी गर्लफ्रेंड्स के साथ मारपीट की गई और 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई। जाम गेट, ये वही जगह है जहां मंगलवार रात आर्मी के जवान अपनी महिला मित्रों के साथ घूमने निकले थे, तभी 6 बदमाशों ने उन्हें बंधक बना लिया। इंदौर में क्या कुछ हुआ वो भी जानिए। 2 जवान महू आर्मी कॉलेज में ट्रेनिंग ले रहे थे, दोनों महिलाओं के साथ घूमने निकले थे। अचानक 6 बदमाशों ने उनको घेरा, उनके साथ मारपीट की, युवती को बंधक बनाया और 10 लाख की फिरौती की मांग की। बदमाशों पर युवती के साथ गैंगरेप करने का आरोप भी लगा है। पीड़ित जवानों ने फौरन पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद गैंगरेप, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया जा चुका है। पुलिस लगातार 10 टीम्स यहां पर बनाकर लगातार इसमें सारी पूछताछ और इसको पूरा घटना को पर्दाफाश करने का प्रयास किया और इसमें टोटल जो है 6 आरोपी हैं जिनके नाम पुलिस को पता लग चुके हैं और उसमें से 2 लोगों का अरेस्ट भी हो चुका है। पुलिस अभी भी लगातार 4 लोग जो बचे हैं उनका प्रयास कर रही है उनको पकड़ने का और उस पर भी जल्दी कार्रवाई कर लेगी। 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। फरार 4 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। उन्हें तलाशने के लिए 10 थानों को अलर्ट किया जा चुका है, यानी शासन प्रशासन ने इस मामले पर फौरन एक्शन लेते हुए जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस इस घटना को लेकर मोहन सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी हुई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार को घेरने की कोशिश की है। तमाम कांग्रेस नेता इस मुद्दे पर बयानबाजी कर रहे हैं। मोहन यादव जी, अगर नफरत की आंधी फैलाने से और लोगों का घर ढहाने से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा कानून व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। असलियत यह है कि बीजेपी शासित राज्यों में लगातार अपराधी बेखौफ हो रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि सत्ता का संरक्षण उन्हीं को मिलेगा। आम जनता के साथ देश के जो सेना के सुरक्षा अधिकारी है, सेवा करते देश के लिए, अब उनके परिवार, उनके साथी लोग पीड़ित हो रहे हैं। क्या अराजकता हो गई है प्रदेश के अंदर? क्या मुख्यमंत्री जी अपना गृह विभाग नहीं संभाल पा रहे? तत्काल इस पर निर्णय होना चाहिए और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को भी अगर आपसे नहीं संभलता तो आप और किसी को दे। एक तरफ कांग्रेस कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के मुखिया ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि सरकार ऐसे मामलों पर सख्त है। हमारी त्वरित कार्रवाई के बलबूते पर कल भी हाथों हाथ वहाँ कुछ लोगों पे जो ढंग से घटना घटी थी पकड़ने का भी प्रयास किया है और आज भी बाकी शेष बचे आरोपी को भी हमने पकड़ा है। सरकार ऐसे मामले में बहुत सख्त है। कोई भी गलती करेगा हमारे लिए बचेगा नहीं और कानून अपना काम करेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस की 8 टीमों में 8 TI मुस्तैद हैं। 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं जिनके नाम अनिल और पवन बताए जा रहे हैं। इन्हें महू कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड मिली है। उम्मीद है पुलिस बाकी के आरोपियों तक जल्द पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कलकत्ता कांड के बाद जब पूरे देश में महिला सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही हो, तब इंदौर के पास जामगेट की घटना बेहद ही खौफनाक है।
और ये वारदात सेना के अफसरों के साथ उस वक्त हुई जब वो सेना की ही फायरिंग रेंज में थे। घटना के बाद पुलिस टीम की सक्रियता ने कमाल किया और रात में हुई घटना के बाद सुबह ही अपराधियों को धर दबोचा।